कहानी की शुरुआत होती है और हम एक जीप को जाते हुए देखते हैं जिसमें कुछ दोस्त हाइकिंग के लिए जा रहे होते हैं, जिनका नाम क्रिस, डैनियल और एलिसा होता है। तभी हम देखते हैं कि डैनियल अपनी गाड़ी रोककर वॉशरूम करने के लिए जाने लगता है। तभी उसके जाते ही क्रिस एलिसिया से पिछली रात हुई घटना के बारे में पूछने लगता है, लेकिन यहाँ पर एलिसिया उस घटना को एक मिस्टीरियस बताते हुए चुप रहने के लिए कहती है। लेकिन तभी वहाँ पर डैनियल वापस आ जाता है, जिसके बाद वो गाड़ी लेकर जाने लगता है, जिसके बाद ये लोग एक बीच जंगल में अपनी गाड़ी खड़ी करके हाइकिंग के लिए निकल पड़ते हैं। तब यहाँ पर हाइकिंग के दौरान डैनियल बताता है कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पर यहाँ पर आर्मी ने बहुत सारे लैंडमाइंस बिछाए थे, जो कि आज भी लोगों को कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तभी उनकी बातों से हमें पता चलता है कि डैनियल और एलिसिया एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं और वो बहुत जल्दी शादी भी करने वाले हैं, और ऐसा जानकर क्रिस बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। अब इसके बाद हम रात का टाइम देखते हैं, जहाँ पर तीनों दोस्त एक आग जलाकर वहीं पर बैठे होते हैं और आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर डैनियल क्रिस से पूछता है कि आखिर तुम इतने मायूस क्यों हो, जिसके बाद वो उसकी बात को टालते हुए हंसी मजाक करने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हारी तो शादी होने वाली है और तुम्हें अपनी लव लाइफ इंजॉय करनी चाहिए, इसलिए तुम्हें मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अब ऐसा सुनने के बाद डैनियल बोलता है कि तुम ये मत सोचो कि मेरी एलिसिया से शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा और तुम्हारे साथ पार्टी करना बंद कर दूंगा। वो कहता है कि तुम और मैं बचपन के दोस्त हैं, इसलिए हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये तीनों बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद ये यहाँ पर बहुत सारी ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के बाद ये सारे लोग अपने अपने कैंप में जाकर सो जाते हैं। अब अगली सुबह हम क्रिश को देखते हैं, जो कि टेंट से बाहर आकर अपने शूज को पहन रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि उनके सामानों के साथ छेड़छाड़ कर रहा होता है। तब उसके पास जाकर ही उसे मारने लगता है। तभी वो आदमी बताता है कि वो डैनियल का दोस्त है और डैनियल ने ही उसे यहाँ पर बुलाया है, लेकिन यहाँ पर क्रिश उसकी कोई बात नहीं मानता। लेकिन तभी वहाँ पर डैनियल भी आ जाता है और उसे बताता है कि ये मेरा ही दोस्त है और मैंने ही यहाँ पर इसे बुलाया है ताकि ये हमारी जगह की अच्छी अच्छी फोटोज को क्लिक कर सके। जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब ये तीनों एक जगह पर खड़े हो जाते हैं और वो आदमी उनकी फोटोज को खींचना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उस आदमी को क्रिश के पैर के नीचे कुछ नजर आता है, जिसके बाद वो आदमी क्रिश को हिलने से वहाँ से मना करता है और उसको बताता है कि उसके पैरों के नीचे एक लैंड माइन आ चुकी है। तभी इस पर वो फोटोग्राफर कहता है कि हमें इसके लिए हेल्प बुलानी चाहिए, जिसके लिए 4 या 5 घंटे लग सकते हैं, और वो आदमी उसके बाद वहाँ से हेल्प लेने के लिए चला जाता है। अब ऐसा देखने के बाद एलिसिया डैनियल को क्रिश से दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि उसके पैरों के नीचे लैंड माइन थी जो कि कभी भी फट सकता था। लेकिन डैनियल एलिसिया पर चिल्लाते हुए कहता है कि ये मेरा बचपन का दोस्त है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, जिसके बाद क्रिश भी डैनियल को उससे दूर रहने के लिए बोलने लगता है। और अब आखिरकार डैनियल एलिसिया के पास आ ही जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास जाता है उसके फोन में सिग्नल आ जाता है, जिसके बाद वो फौरन एक पुलिस वाले को फोन करता है अपनी हेल्प के लिए। लेकिन जब डैनियल फोन रखता है तो वो एलिसिया से बताता है कि उन्होंने तुम्हारी वजह से हेल्प देने से मना कर दिया, और ऐसा सुनने के बाद एलिसिया बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। तब यहाँ पर डैनियल एलिसिया को बताता है कि उन्होंने बोला है कि वो एक चीटर की मदद नहीं कर सकते, जिसके बाद एलिसिया समझ जाती है कि डैनियल को सब कुछ पता चल चुका है। तभी यहाँ पर हमें मूवी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हमने मूवी की शुरुआत में देखा था कि एलिसिया क्रिस से बात कर रही होती है एक घटना के बारे में। असल में वो घटना यही थी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ एक रात सो चुके थे, जिसके बारे में डैनियल को पता चल चुका था, और उन्होंने उसको सबक सिखाने के लिए ये प्लान रचा, और उसके उस प्लान में उसका वो दोस्त भी शामिल था। जिसके बाद एलिसिया डैनियल से रोते हुए माफी मांगती है और यहाँ पर वो कहती है कि मुझे कैसे भी करके माफ कर दो और पुलिस को फोन करके मदद के लिए बुलाओ। लेकिन तभी यहाँ पर डैनियल बताता है कि वो तो मजाक कर रहा था, यहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा है, जिसके बाद वो इन दोनों को ऐसी ही हालात में यहाँ पर छोड़कर जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर एलिसिया उसे जाने से पहले बहुत रिक्वेस्ट करती है, बहुत रोकती है, लेकिन वो रोकता नहीं और उसे छोड़कर वहीं चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलिसिया क्रिस को बचाने के लिए वहाँ पर थोड़ा गड्ढा खोदने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर दूर से कुत्ता भौंकता हुआ आने लगता है, जिसको भगाने के लिए एलिसिया उसे मारने लगती है। लेकिन तभी उस कुत्ते का मालिक वहाँ पर आ जाता है और उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है, क्योंकि उसने उसके कुत्ते को मार दिया था। जिसके बाद एलिसिया उस आदमी से अपनी माफी मांगती है और उसे अपने दोस्त के बारे में बताती है और उससे हेल्प करने के लिए कहने लगती है, लेकिन ये आदमी इनकी हेल्प नहीं करता बल्कि उनका इस बात का फायदा उठाने लगता है। यहाँ पर वो कहता है कि अगर वो उसकी हेल्प करेगा तो बदले में उसे क्या मिलेगा, जिस पर एलिसिया कहती है कि उसके बदले में वो अपना पूरा सामान उसे दे सकती है, जिसके बाद वो आदमी बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उनका सामान चेक करने लगता है। तभी वहाँ पर उसे एलिसिया की अंडरवियर मिलती है, जिसे देखने के बाद वो एलिसिया के पास आता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी पहनी हुई अंडरवियर चाहिए। जब एलिसिया उसे देने से मना कर देती है तो वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी क्रिश अपनी जेब से $300 निकालता है और उसे देने लगता है। लेकिन यहाँ पर यह आदमी पैसों को लेने से इनकार कर देता है, वो कहता है कि मुझे एलिसिया का अंडरवियर ही चाहिए, जिसके बाद एलिसिया उसे अपनी अंडरवियर देने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद एलिसिया टेंट के अंदर जाने लगती है ताकि वो निकाल सके, लेकिन तभी वो आदमी बोलता है कि तुम्हें अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम
नहीं मेरे सामने निकाल सकती हो। जिस पर अलेशिया उसे साफ साफ मना कर देती है। लेकिन जब वो आदमी वहाँ से गुस्सा होकर जाने लगता है तब अलेशिया ऐसा करने के लिए मान जाती है और अपने अंडरवियर वहीं पर उतार कर उसके सामने उसे दे देती है, जिसके बाद वो आदमी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा खोदने लगता है, जिसके बाद उसके बैग से एक रेडियो की भी आवाज आती है और वो आदमी उठकर उस रेडियो के पास जाने लगता है। अब ऐसा देखने के बाद अलेशिया उससे रेडियो यूज करने के लिए कहने लगती है, लेकिन वो फिर से वो आदमी वही सवाल करता है कि उसके बदले में उसे क्या मिलेगा, जिस पर वो अलेशिया के कपड़े उतरवाने की शर्त रखने लगता है और उसकी बात मानकर अलेशिया अपना टॉप उतार भी देती है, जिसके बाद वो आदमी अपना रेडियो यूज करने देता है। अब अलेशिया उनसे रेडियो पर हेल्प मांगती है, लेकिन वो लोग पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहे होते हैं जो कि अलेशिया को बिल्कुल समझ में नहीं आता, जिस पर अलेशिया उस आदमी से कहती है कि तुम इनसे अपनी भाषा में बात करके इनसे हेल्प मंगवाओ, लेकिन वो आदमी फिर से इस बात का कोई ना कोई शर्त रख देता है, जिसके बाद वो अगली बार अलेशिया को एकदम अनड्रेस होने के लिए कहने लगता है। लेकिन यहाँ पर अलेशिया अनड्रेस होने से साफ साफ मना कर देती है, जिसके बाद वो उसे जाने के लिए कहती है। लेकिन अब इस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसके बाद वो अलेशिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है और ये सब होते हुए उसका फ्रेंड क्रिश भी उसे देख रहा होता है और ऐसा देख कर क्रिश का खून खौल जाता है, जिसके बाद वो कैसे भी करके एक गन को उठा लेता है और उस आदमी की तरफ गन को पॉइंट कर देता है। लेकिन यहाँ पर वो गोली नहीं चला पाता क्योंकि उसका निशाना कुछ अच्छा नहीं होता और उसे डर भी लग रहा था कि कहीं गोली अलेशिया को जाकर न लग जाए। लेकिन तभी उस आदमी का कुत्ता वहाँ पर आ जाता है और उसके ऊपर जाकर कूद जाता है, जिसकी वजह से क्रिश पीछे जाकर गिर जाता है और तभी उसके गन से गोली भी चल जाती है जो कि अलेशिया को जाकर लग जाती है, जिसकी वजह से उस आदमी को और भी तेज गुस्सा आ जाता है और वो अलेशिया की डेड बॉडी क्रिश के ऊपर फेंक देता है और क्रिश भी यहाँ पर बेहोश हुआ पड़ा होता है, क्योंकि क्रिश जब पीछे जाकर गिरा था तो उसके सर में चोट आ गई थी, जिसकी वजह से वो भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब जब उसकी कुछ देर बाद आगे खुलती है तब वो अलेशिया को देखता है कि उसकी तो मौत हो चुकी है और ऐसा देखने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है और यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि जिस लैंडमाइन से वो इतनी देर से परेशान था वो भी नकली ही थी और ये सब कुछ डैनियल का प्लान था, क्योंकि वो इन्हें सबक सिखाना चाहता था। जिसके बाद अब हमें कई महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम क्रिश को देखते हैं जो कि एक लेडी से कह रहा था कि मैं एक टूरिस्ट हूँ और मैं अपना रास्ता भूल चुका हूँ क्योंकि उसके पास मैप भी नहीं होता, जिस पर वो लेडी कहती है कि मैं तुम्हें एक मैप प्रिंट करके दे रही हूँ, जिसके बाद क्रिश उसके घर पर चला जाता है और वो लेडी उसे मैप प्रिंट करके देने लगती है, जिसके बाद क्रिश उनसे कुछ बातें करने लगता है और यहाँ पर ये लेडी उसे लंच ऑफर करने लगती है, जिसके बाद क्रिश उनके साथ लंच करने लगता है। लेकिन तभी उसके पीछे वही आदमी आ जाता है जिसने लुसिया का रेप किया था और वो वहाँ पर आता है क्रिश को देखता है और यहाँ पर क्रिश को देखकर वो बहुत घबरा जाता है और उसे घर से बाहर जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो क्रिश को बाहर ले जाकर कहता है कि ये तुम्हारा और मेरा मामला है और इसको हम दोनों को आपस में निपटा लेना चाहिए, इसमें तुम मेरी फैमिली को इन्वॉल्व मत करो। और ऐसा सुनने के बाद क्रिश बाहर चला जाता है, जिसके बाद क्रिश बाहर जाकर उसके कुत्ते को घायल कर देता है। अब कुत्ते का बहाना करके उनके घर में दोबारा घुस जाता है और ऐसा देखकर वो आदमी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी गन उठाकर क्रिश को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अब की बार क्रिश के पास भी गन होती है, जिसके बाद वो उस आदमी के पैरों पर गोली चला देता है, जिसके बाद वो उस आदमी की पूरी फैमिली को प्रिजनर बना लेता है और उसको अलेशिया का इंटरव्यू दिखाता है और यहाँ पर वो उस आदमी से कहता है कि तुम्हें अपनी फैमिली को पूरी बात बता देनी चाहिए कि तुमने वहाँ पर हमारे साथ क्या क्या किया। तब यहाँ पर ये आदमी कहता है कि मैं नशे में कुछ गलत कर गया होगा और यहाँ पर वो माफी मांगने लगता है, जिसके बाद वो उसकी बेटी के साथ वही सैल्यूट करने लगता है जो कि उसने अलेशिया के साथ किया था, जिसके बाद वो अपने गन के अंदर एक ही गोली डालता है और उसकी बेटी के सर पर लगा देता है और उसे पहली गोली में ही मार देता है, जिसकी वजह से उसकी बेटी मारी जाती है और ऐसा करके उस आदमी को उसका सबक मिल जाता है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।